एस टीवी का सबसे लोकप्रिय शो उड़ान में चल रहा है हैवोल्डे ड्रामा, जहां आप सबको देखने मिलेगा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और टनशीहा, जहां इमली और रणविजय ने पहले ही सूरज का ब्रेन वॉश कर दिया था और उन्होंने सूरज को चकोर के खिलाफ भड़काया है। और सूरज का मानना है कि चकोर अपने पिता कमल नारायण की हत्या के लिए जिम्मेदार है। हालांकि सूरज को असली सच्चाई याद नहीं है, इसलिए इमली इस मौके का फायदा उठाकर सूरज को हेराफेरी करने के लिए कहती है। इमली इस चैलेंज से चकोर का ध्यान भंग करने के लिए इस चाल का यूज करती है, जहां चकोर को इमली के इस चैलेंज में सामना करना पड़ता है, जबकि चकोर और सूरज एक दूसरे के साथ एग्रेसिव लग रहे हैं। अब चकोर को इस बात को समझना चाहिए कि इमली चकोर के साथ खेल खेल रही है और अपनी इविल चालों का यूज कर रही है। अब ये देखना वाकई काफी दिलचस्प होगा कि शो में आगे और क्या क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं। तो अपने पसंदीदा शो के ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कलर्स टीवी के सबसे लोकप्रिय शो उड़ान में चल रहा है हैवोल्डे ड्रामा, जहां आप सबको देखने मिलेगा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और टनशीहा, जहां इमली और रणविजय ने पहले ही सूरज का ब्रेन वॉश कर दिया था और उन्होंने सूरज को चकोर के खिलाफ भड़काया है। और सूरज का मानना है कि चकोर अपने पिता कमल नारायण की हत्या के लिए जिम्मेदार है। हालांकि सूरज को असली सच्चाई याद नहीं है, इसलिए इमली इस मौके का फायदा उठाकर सूरज को हेराफेरी करने के लिए कहती है। इमली इस चैलेंज से चकोर का ध्यान भंग करने के लिए इस चाल का यूज करती है, जहां चकोर को इमली के इस चैलेंज में सामना करना पड़ता है, जबकि चकोर और सूरज एक दूसरे के साथ एग्रेसिव लग रहे हैं। अब चकोर को इस बात को समझना चाहिए कि इमली चकोर के साथ खेल खेल रही है और अपनी इविल चालों का यूज कर रही है। अब ये देखना वाकई काफी दिलचस्प होगा कि शो में आगे और क्या क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं। तो अपने पसंदीदा शो के ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।